तो सबसे पहले तो आप यहाँ डेगाना पे ही देख सकते हो कितने सारे पोल्स जो हैं वो ला के रख दिए गए हैं। साथ ही रिसेंटली मैं जब वहाँ पे डेगाना पे ही था तभी ये ट्रक आया था जिसमें इतने सारे पोल्स हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें कितने पोल्स होंगे, 50 से तो ज़्यादा ही होंगे। और ये जोधपुर लाइन के लिए भी हो सकते हैं या फिर रतनगढ़ वाली लाइन के लिए भी हो सकते हैं। खैर वो हमको वीडियो में आगे ही पता चलेगा फाउंडेशंस का काम देख के कि कितना हुआ है कितना नहीं। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल रही है डेगाना जंक्शन से और ये डेगाना की लूप लाइन ख़त्म होते ही आप यहाँ देख सकते हो इस लाइन पे यहाँ पे आगे तक ये 4-5 पोल्स लगा रखे हैं। और ये पोल्स तो केवल इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जब डेगाना जंक्शन अगर पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ से जो वायरिंग आएगी वो इन्हीं पोल्स पे आके ख़त्म होएगी और फिर आगे रतनगढ़ वाला रूट जो है वो चालू होएगा। तो वायरिंग अभी फ़िलहाल यहीं तक आके ख़त्म होएगी डेगाना के इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद। और फिलहाल उन 2-3 पोल्स के बाद नीचे आप देख सकते हो ये थोड़े बहुत फाउंडेशंस बनाए हुए हैं और यहाँ पे भी इन पोल्स को जो है अभी रिसेंटली जो है डाला गया है और इनको सीधा सेट करने का काम चल रहा है। सो हे गाइज, और कैसे हो आप सब? मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम टू माई चैनल द रेल जंक्शन 6.3। एंड आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ डेगाना से रतनगढ़ रेल लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने के लिए। सो पहले भी मैं आपको याद होगा एक बार आ चुका हूँ लेकिन आधे रास्ते में ही फीवर हो जाने की वजह से मैं पूरी अपडेट नहीं बना पाया था। और फिलहाल इस वाले फाटक के बाद आप देख सकते हो पोल्स और फाउंडेशंस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो पिछली बार तो अपडेट नहीं बना पाया था मैं लेकिन इस बार मैंने पूरे रूट की बिल्कुल एक्यूरेट अपडेट बनाई है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि डेगाना के आउटर के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई भी काम नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन रुको, सब्र करो, आगे जो है काम बड़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। लेकिन अभी नीचे देख सकते हो आप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है और फाउंडेशंस वैसे अभी ट्रेन के इस साइड नहीं बनाए जाएंगे, ट्रेन के दूसरी साइड यानी कि दाई तरफ बनाए जा रहे हैं। मैं दोनों तरफ घूम घूम के गेट पे देख रहा था कि किस तरफ बनाए जाएंगे क्योंकि मैं खुद पहली बार इसकी अपडेट बना रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं था कि किस तरफ फाउंडेशन बनाए जाएंगे। तो मैं कभी इस गेट पर कभी उस गेट पर जाके देख रहा था लेकिन जो फाउंडेशन अब रियली में चालू होने वाले हैं तो यहाँ पर एक स्टेशन आता है खुनखुना। खुनखुना और मारवाड़ बालिया के बीच में जो है फाउंडेशन का काम चालू होता है। नीचे आप देख सकते हो फाउंडेशंस बने हुए हैं और ये जो लोकेशन है ये खुनखुना स्टेशन के बाद की है। खुनखुना स्टेशन जो कि डेगाना के बाद एक स्टेशन आता है छोटी खाटू, उसके बाद एक स्टेशन छोड़ के आता है खुनखुना और फिर उसके बाद आता है मारवाड़ बालिया स्टेशन। उन दोनों के बीच में यहाँ फाउंडेशंस चालू हो चुके हैं। तो अब चलिए करते हैं वीडियो की स्पीड तेज एंड दिखाते हैं आपको पूरे रूट की अपडेट। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और अभी हम बगल में शायद स्किप कर रहे हैं मारवाड़ बालिया स्टेशन को क्योंकि लगता है ये स्टेशन जैसा ही रहा था। तो इस स्टेशन पे भी जो है फाउंडेशंस बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है और हो सकता है प्लेटफॉर्म इसका हमारी ट्रेन के दूसरी साइड हो। तो कोई यहाँ से अगर आप मेरे को हो तो मेरे को बता देना कि प्लेटफॉर्म इसका हमारी ट्रेन की दूसरी साइड था। और अब नीचे फाउंडेशंस जो है ख़त्म हो चुके हैं और फिलहाल ये आ चुकी है डिडवाना की नमक की झील। अब क्योंकि ये पूरा झील वाला इलाका है तो यहाँ पे अभी फाउंडेशन का कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि आप यहाँ बगल में देख सकते हो ये जो नीचे पत्थर के ढलान जैसी एक दीवार टाइप बना रखी है और यहाँ पर बगल में फिर इतना पानी भी भरा हुआ है तो इसलिए यहाँ भी कोई भी फाउंडेशन का काम अभी चालू नहीं हुआ है। तो अब मेरे को एक और बात बता देना आप लोग, अब मेन झील तो मेरे को यही दिख रही है लेकिन अभी वीडियो में जहाँ पानी पानी भरा हुआ था और जहाँ फाउंडेशन ख़त्म हो चुके थे तो वो भी इसी झील का पार्ट था या फिर वो बारिश से जो है पानी जो भराव हो गया था? अलग तो झील ही रही थी लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मेरे को कन्फर्म कर देना। और फिलहाल ये मेन वाली झील है जिसके पटरियों के नीचे से होकर बहुत सारा पानी बह रहा था और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और लेकिन यहाँ फाउंडेशन का अभी कोई भी काम नहीं किया गया है और आप खुद भी देख सकते हो कैसे होगा यहाँ पे काम क्योंकि फाउंडेशन बनाने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी गाड़ी वगैरह आने के लिए या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए कंक्रीट वगैरह लाने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है तो वो शायद ट्रेन से ही ला के यहाँ पर काम किया जाएगा। और अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है डिडवाना स्टेशन से। डिडवाना के प्लेटफॉर्म पर भी अभी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं किया गया है। मतलब डिगिंग वगैरह का, फाउंडेशन खोदने वगैरह का, गड्ढा बनाने का कोई काम वहाँ पर अभी नहीं चालू किया गया है। लेकिन डिडवाना से निकलने के बाद नीचे आप देख सकते हो फाउंडेशंस वापस स्टार्ट हो चुके हैं। और एक और बात बता दूं कि जैसे बीकानेर मेड़ता रोड वाली जो लाइन है
उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है बीकानेर से लेकर मेरता रोड की तरफ चल रहा है, वैसे ही यहाँ का भी जो काम है वो रतनगढ़ साइड से लेकर और डेगाना की तरफ चल रहा है। तो यानी अभी यहाँ पे तो आपको केवल फाउंडेशंस बनाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे जो है हम पोल्स भी देखने वाले हैं, यानी कि जो काम है वो रतनगढ़ से डेगाना की तरफ चल रहा है। और बात करें अगर मेरता रोड वाले सेक्शन की, तो मैंने उसकी भी अपडेट का पार्ट वन डाल दिया है बीकानेर से लेकर नोखा तक, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है बाल सम्मत स्टेशन को, जिसके प्लेटफॉर्म पे भी जो है फाउंडेशन बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और बाल सम्मत के बाद भी फाउंडेशंस बिल्कुल एज इट इज बने हुए हैं। तो अभी हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है लाडनू स्टेशन पे, एंड लाडनू के लगभग 1 किलोमीटर पहले तक जो है फाउंडेशंस वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। और अभी लाडनू पे अराइवल देखो आप, उससे पहले ये लाडनू की लूप लाइन बगल में चालू हो चुकी है, और यहाँ तक जो है अभी फाउंडेशन का काम, मतलब लाडनू के आउटर में अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ है, ना तो खुदाई का काम या फिर कुछ भी फाउंडेशन से रिलेटेड काम अभी लाडनू के आउटर में चालू नहीं हुआ है। और वो है लाडनू का दूसरा प्लेटफॉर्म, जिसको कि अभी शायद नया बनाया गया है, इस पर भी अभी कोई खुदाई वगैरह का काम चालू नहीं हुआ है। और अभी हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है लाडनू से, जिसके इस वाले मेन प्लेटफॉर्म पे भी अभी कोई भी फाउंडेशन का काम नहीं किया गया है। और वैसे लाडनू का ये प्लेटफॉर्म काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो टिन शेड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ ही पेड़ हैं इतने सारे छाव देने के लिए। हालाँकि इलेक्ट्रिफिकेशन होएगा तो हो सकता है इन पेड़ों को थोड़ा आगे से काटा जाए, लेकिन कोई दिक्कत ना मानो, इन पेड़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आप इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद देखने वाले हो, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन आपकी हर ट्रेन में आप देखने वाले हो। तो फिलहाल इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट है जो थोड़ा लंबा होने वाला है, और उस पूरे पार्ट में पोल्स ही पोल्स, और अब आगे सुजानगढ़ के आगे रतनगढ़ तक और भी काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन में पोल्स ही पोल्स से ज़्यादा भी और काफ़ी काम हो चुका है, तो उस पार्ट को हम थोड़ा अलग रखेंगे ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता सकूँ, वरना ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस अब वेट करना अगले पार्ट का। और यहाँ लाडनू के इस वाले आउटर में आप देख सकते हो कितने सारे पोल्स ही पोल्स रखे हुए हैं, तो वो पार्ट भी मैं आपको चैनल पे कल दोपहर तक डाल दूंगा, कल 3 बजे तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और कल फिर दोपहर में 3 बजे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ, मतलब कि लाडनू सुजानगढ़ से लेकर रतनगढ़ की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय।